ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई मिल गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तीनों कैदी सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद रहेंगे। शहबाज शरीफ ने महकमा दाखिला पंजाब को 5 दिन की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहाई मिल गई है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बेगम कल्सूम नवाज की वफात के बाद पेरोल के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी गई थी। इसी पे मजीद बात करेंगे मुदस्सर नवाब से। मुदस्सर, 12 घंटे के लिए रिहाई मिली है, लाहौर कब तक पहुंचेंगे, कुछ पता चल सका? जी हाँ बिल्कुल जी, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद जो है कैप्टन सफदर रिटायर्ड जो है उनको 12 घंटे के लिए जो है रिहाई दी गई है। और इस रिहाई की वजह जो ये है कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं उनकी जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दी गई थी कि साबिक नवाज शरीफ की जो अहलिया थी कल्सूम नवाज उनकी इंतकाल के बाद इस हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी कि 5 दिन के लिए जो नवाज शरीफ को जो है पेरोल पर रिहाई दी जाए, जिस पर जो है महकमा दाखिला पंजाब ने उन्हें 12 घंटे के लिए ये रिहाई दी है। जबकि जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके जो दामाद हैं कैप्टन सफदर रिटायर्ड, उनकी जाने से जो अभी कुछ देर में वो लाहौर पहुंचने वाले हैं और जराय का ये कहना है कि इस्लामाबाद से उनको लाहौर रवानगी के लिए जो है तैयारी में बिठा दिया गया और खसूसी तैयारी के जरिए उनको लाहौर पहुंचाया जाएगा। जबकि इस हवाले से जो लाहौर एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी के मामला हैं उसको भी इंतहाई सख्त कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से जो महकमा दाखिला पंजाब का खसूसी अमला जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ और कैप्टन जो कैप्टन सफदर हैं रिटायर्ड उनको रिसीव करेगा, उनको सख्त सिक्योरिटी के हिसार में जो है जाती उम्रा पहुंचाया जाएगा, जहां पर वो 12 घंटे तक जो उनको जो रिहाई मिली है वहां पर महदूद रहेंगे और उनको वहां पर ही उनके साथ जो है दूसरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और दीगर जो अफराद हैं वो उनसे ताजियत करेंगे। जी।